बहुत ही प्यारी रिलेटिव की फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। देव बिहारी बोटी बड़ी मसलेदार सी, नरम मुलायम सी, जैसे कि आपको देखने से अंदाजा हो रहा है क्या जबरदस्ती बनी है। जानने के लिए रेसिपी के साथ से तैयार कीजिए। चने की चट क्लोजअप में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी वो है बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी की। आप बीफ की जगह मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ के जी मैंने इसके अंदर बीफ लिया था और उसकी छोटी छोटी इस तरह करके बोटियाँ कर ली थी, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर होता है वो 1 टेबल स्पून वो डाला और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालकर इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए। अगर आपके पास कच्चा पपीता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे फ्राई पैन रख लिया, इसके अंदर होल स्पाइसेस डाल देंगे, गरम मसाला यानी कि हर सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों वो हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है। 1 टेबल स्पून खसखास डाल देनी है। अब इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1 से 2 सेकंड लगेंगे और ये देखिए सारे स्पाइसेस हमारे ड्राई रोस्ट हो गए। चूल्हे को बंद कर दिया मैंने। अब हमने क्या करना होगा, इसकी बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लेनी होगी पीस लेने से। खसखास और गरम मसाले को जो हमने रोस्ट करके पीस लिया वो इस तरह की फॉर्म में आ गया। अभी सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे और इस एक बड़े से साइज की प्याज को लेके मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया था। देखिए कितना प्यारा सा कलर है। फ्रेश प्याज को फ्राई करके डालिएगा, बाजार वाली प्याज नहीं डालिएगा। वो सारी की सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। मसालों को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है आपने इसके अंदर और नमक डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। सरसों का तेल डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। दही ली थी मैंने, इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया था स्ट्रेनर में रख के, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। स्पून इसके अंदर सिरके का भी डाल देंगे, व्हाइट सिरका मैंने यूज किया। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। सारे मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अगर मिक्स कर लिया हमने, अगर आप इसको फ्राई पैन में बना रहे हैं तो मेरी तरह बनाए जिस तरह मैं बना रही हूँ, और अगर सीखों पे बनाना चाह रहे हैं तो आपने बोटियाँ लेनी और सीखों में प्रो देनी और कोयलों पे आपने इसको पका लेना है। चले जी अब इसको हमने आधा घंटा मजीद रख देना है। चले जी गोश्त को रखे हुए 1/2 घंटा कम्प्लीट हो गया, तो अब इसको कुक करते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया, 2 टेबल स्पून ज़्यादा तेल नहीं डालना। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम डाल देंगे जो मीट हमने मैरिनेशन होने के लिए छोड़ा हो। चलिए अब इसको मीडियम हीट पे रख देंगे लेड लगा के, क्योंकि हमने इसके अंदर गोश्त गलाने का पाउडर डाला हुआ है, फिर बहुत जल्दी से मीट हमारा कुक हो जाएगा। लेड लगा के रख देते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलिए जी 15 से 20 मिनट 25 मिनट कंप्लीट हो गए। ये देखिए हमने ना इसमें पानी डाला था, कोई चीज़ भी नहीं डाली थी। दही ने भी अपना पानी छोड़ा और गोश्त ने भी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बोटियाँ गल गई हैं और क्या ज़बरदस्त सा कलर और खुशबू आ रही है। ये अब इसको हमने ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल आप इसको मुँह में लेंगे बिल्कुल घुल जाएंगे। देखिए कितनी रेजा रेजा हो रहे हैं ये देखिए। चलें इसको आपने अच्छे से भून लेना है। अगर आप चाहें तो हमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे चूल्हा बंद कर दें, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा इसको और भूनना है और फिर इसको सर्व करना है। मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल बोटियों पे लग चुका है। अब हम इसके अंदर कोयलों की स्मोक दे देंगे। है ना कितना आसान सा तरीका बगैर अंगीठी के, मज़ेदार से आप बिहारी कबाब अपने घर में बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये धुआं इसमें से निकल जाए
और लेड लगा के रख देते हैं। ये देखिए जबरदस्त सा स्मोक हमारी बिहारी बोटी को लग चुका है, क्या खुशबू आ रही है, मजेदार सी। चलिए इसको हमने हटा लेना है और अब इसको जल्दी से प्लेट में सर्व कर। बिहारी बोटी खाने के लिए तैयार हो चुकी है, ना आप अंगीठी का इंतजार करें ना किसी और चीज का, आप इसे झटपट से अपने घर में बनाइए। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।